हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और ब्लेंडर की इस वीडियो में आज हम लोग और एक टूल देख लेते हैं फटाफट। देखिए तो कौन सा टूल देखेंगे हम लोग? आज हम लोग जो टूल देखने वाले हैं उसका नाम है इंसर्ट फेसेस। ठीक है, तो उसके लिए भी हम लोग को कहाँ जाना होगा? एडिट मोड में जाना होगा। तो जैसे कि प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि अगर आप कीबोर्ड से टैब को प्रेस करेंगे तो आप एडिट मोड में आ जाएंगे। और उसके बाद एडिट मोड में यहाँ पे अगर मैं फेस सेलेक्ट कर लूँ, ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। मैंने क्या किया, ये जो सिलेक्शन मोड था ये फेस, यहाँ पे मैंने लेफ्ट क्लिक किया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि ये फेस सिलेक्शन मोड सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे ये फेस को हम लोग इस प्रकार से यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए एक फेस सेलेक्ट है। अब उसके बाद में आप यहाँ पे ये देखिए एक्सक्यूट टूल के ठीक नीचे में इंसर्ट फेस लिखा है जिसका शॉर्टकट की आई होता है। तो मैं सिंपल क्या करने वाला हूँ, कीबोर्ड से मैं आई प्रेस कर रहा हूँ ऐसे। और आई प्रेस करने के बाद में क्या करेंगे हम लोग, अगर मैं इसको ले जाऊँ, माउस को मैं ड्रैग कर रहा हूँ, देखिए इस तरह से मैं माउस को ड्रैग कर रहा हूँ, तो देखिए क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा फेस एक क्रिएट हो रही है। ठीक है, और एक्स्ट्रा फेस क्रिएट होने के बाद में अगर फिर आप एक्सक्यूट करना चाहे तो फिर आप कीबोर्ड से ई प्रेस करिएगा और इसको इस प्रकार से आप ऊपर ले जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए। और अभी हम लोग तो एक्सक्यूट नहीं देख रहे, हम लोग इंसर्ट फेसेस देख रहे हैं। ठीक है ना, इंसर्ट फेसेस। ठीक है, तो फिर से मैं आई प्रेस करता हूँ, मगर इस बार मैं माउस को क्या करूँगा, ड्रैग नहीं करूँगा और मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट क्लिक में प्रेस कर दे रहा हूँ। देखिए जैसे ही मैंने लेफ्ट क्लिक प्रेस किया, नीचे वो अपने यहाँ देखिएगा इंसर्ट फेसेस नाम का एक ऑप्शन देगा, आप इस पर जस्ट क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने से क्या होता है कि बहुत सारे यहाँ पे प्रॉपर्टी आपको नजर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं थिकनेस। थिकनेस क्या था, जैसे कि हम लोग अभी लेफ्ट क्लिक को ड्रैग कर रहे थे ना, तो उससे जो हो रहा था फेसेस जो इंसर्ट हो रहा था वही है। देखिए मैं अगर इसको ऐसे करूँ तो ये देखिए, ठीक है। उसके बाद में फिर हम लोग डेप्थ वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं। डेप्थ में क्या होगा कि अगर मैं इसको प्लस में ले जाऊं ऐसे करके तो ये ऊपर की ओर बढ़ेगा, देखिए। ठीक है, और इसको अगर मैं नेगेटिव दिशा में ले जाऊं मतलब माइनस में ले जाऊं तो ये नीचे की तरफ बढ़ेगा, देखिए। ठीक है ना, इसको मैं और यहाँ लेके चल जाता हूँ, देखिए अभी। ठीक है, और उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे ऑफसेट इवन है। ऑफसेट इवन को अगर हम लोग क्लिक कर देते हैं तो देखिए अब ये इस प्रकार से जा रहा है, ऑफसेट इवन। ठीक है, और अगर मैं ऑफसेट रिलेटिव कर लूँ तो देखिए रिलेटिवली चेंज होगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं नीचे जाऊँ और यहाँ पे आउटसेट पे क्लिक कर दूँ तो क्या होगा, देखिए जो नीचे की ओर जा रहा था अभी ये आगे ऊपर की ओर जाएगा, देखिए ऑफसेट। ठीक है, और उसके बाद में अब जैसे कि मान लीजिए कि आपको ये जो अंदर में जो फेसेस है इसको सेलेक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेलेक्ट आउटर में क्लिक करेंगे तो देखिए इनर ये आउटर ऐसे है, रुकिए यहाँ पे देखिए अभी ये सेलेक्ट था, अब आउटर फेस जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद में फिर अगर आप यहाँ पे मैं इसको आई दबाऊं तो ये हट जाएगा, देखिए फिर से एक फेस यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाएगा। आई दबा के मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा एक फेस आ गया है। ठीक है, और इस पे भी अगर हम लोग देखिए रिलेटिवली चेंज करना चाहते हैं आप, नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पे अगर फिर देखिए है ना, यहाँ डेप्थ, इसमें भी हम लोग डेप्थ प्रोवाइड कर सकते हैं, देखिए इस तरह से। ठीक है, अच्छा अभी और एक चीज मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। जैसे कि अगर मैं इसको भी सेलेक्ट करूँ और फिर मैं इसको भी सेलेक्ट करूँ, दोनों को मैं अगर सेलेक्ट करता हूँ और फिर कीबोर्ड से मैं आई प्रेस करता हूँ और मैं फिर कैंसिल कर देता हूँ इसको, ठीक है। और कैंसिल करने के बाद में अगर मैं इसको डेप्थ दूँ नी ये अंदर तरफ, तो देखिए ऐसे जा रहा है, ठीक है पहला चीज। और मान लीजिए कि हम लोग अगर थिकनेस देते इसको ये इस तरह से, देखिए हो रहा है, ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए कि आप ऐसा नहीं करना चाहते थे, आप दोनों को अलग अलग करना चाहते थे बट एट ए टाइम ही सेलेक्ट करके, तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन है, या इंडिविजुअल है, देखिए इंडिविजुअल में अगर क्लिक कर देते तो इंडिविजुअल ये इंटरफेस करता,
दोनों फेस का अलग अलग थे। अगर इंडिविजुअली में क्लिक नहीं रहेगा तो ये कुछ इस प्रकार से लेके जाएगा। और इसमें बाकी जो रहा आप इसमें क्लिक करके देखिए, ये देखिए ऑफसेट में ऐसा हो जाता है, ठीक है, रिलेटिव ऐसा रहेगा रिलेटिवली, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ पे, और फिर से अगर आई प्रेस करूँ और फिर से जाऊँ तो देखिए अंदर में भी आपका यहाँ पे देखिए, ठीक है। और अगर फिर से हम लोग आउटसेट करेंगे अभी तो ये आ गया, ठीक है। बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे मैं इसमें एक्सक्यूट करना चाहता हूँ तो मैं ई प्रेस करूँगा, ठीक है। और ई प्रेस करने के बाद में अगर हम लोग इसको एक्सक्यूट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से एक्सक्यूट होगा, जो सही नहीं लग रहा मुझे उसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि देखिए ऊपर में भी सेलेक्ट था इसीलिए इस प्रकार से हो रहा था। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को इनसेट फेसेस समझ में आ होगा, ठीक है।